देवा में देवी बड़ी ने बड़ी जगदम्बे महा हाथ जोड़ में अर्ज करूं मैया करियो मारी सहारा आबो तू ऊंचो घड़ो ने पीतल हंदी पा अबु गडारी शोभा देखता मन तू चनी आरे दा पहला बर सुनी पची बर सुन बारिश मंदिरी एक अमर कथा अमर प्रेम कथा आपने मेरे बीच में प्रस्तुत करियो और देवभूमि अबुराज अबुरी देवभूमि ऊपर आ घटना हुई रसियावालम जातियों भी लेकिन एक महान कारीगर एक महान मूर्तिकार गुजरात की धरती हूं चलियो और अबुरी देव भूमि ऊपर पहुंचे और अठीने गुजरात रा तत्कालीन महामंत्री वास्तुपाल तेजपाल परमार भी घूमता घूमता अबुरी उन देव भूमि पर पहुंचा। वास्तुपाल तेजपाल ने एक मंदिर बनाने की मन में सोची कारीगरी तलाश करता करता रसिया बालों को भेटना बेकी और उन मंदिरों का काम रसिया बालों ने सौंप दिया। मंदिर का काम शुरू किया रसियावालम और काम करता करता कुछ समय बीते और उन समय में रसियावालम रो प्रेम राजा री पुत्री कुमारी कन्या भेगी राजा ने बात रो फटो लागो और राजा रसियावालम ने सामने एक शर्त रख दी रसियावालम यदि आ शर्त पूरी करे तो मैं मारी बेटी ने ब्याह थारे साथ में कर दूंगा। लेकिन होड़ी ने कुछ और मंजूर थो और वही एक बहुत ही सुंदर एक महान ऐतिहासिक प्रेम गाथा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हो रसिया बालम। अरे बेगिया घोड़ लिए असीमा मर रसिया बालम रे बेगिया घोड़ लिए असीमा मर रसिया बालम रे अरे दिल मारे आए ने तंबू खोड़िया रे रसिया माते दिल मारे आए ने हालो हालियो रे रसिया माते Oh,
हमारी बेटी को क्या अरे शास्त्र बदला अरे बता अरे एक ही रात में नक्की पड़ी का अरे रसिया आलम रे एक ही रात में नक्की पड़ी का अरे रसिया आलम रे अरे थके तो परिणामों भारी बिगड़ी रे
बेटी नो ब्याह अरे साथ में कर दूंगा। अब इतनी बात सुनी रसिया वालम मन में बड़ो उदास देखियो, क्योंकि तो कठिन काम रसिया वालम एक नहीं दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सके। और रसिया वालम उदास मन जान बैठ गया, मन में विचार किया काम मैं नहीं कर सकूं और हमारी कन्या हमारा कोई ब्याह होना नहीं। और उदास देख आकाशवाणी हुई, कह रसिया वालम तू क्यों परेशान है, तू क्यों उदास है? क्योंकि रसिया वालम अदर देवी मारो अर्बुदा मारो इतो बड़ो भक्त थो इतो बड़ो उपासक थो कि रसिया वालम जो मन में काम सोच तो वो माता जी अपने आप दोनों हाथ ऊपर कर कहो ताकि पता लगे जो काम सोच तो वो माता जी अपने आप। और आकाशवाणी हुई कि धन तो सिर्फ मन में सोचने की आवश्यकता है, काम तो माता जी अपने आप पार लगाने लगते। रसिया वालम अपने इष्ट आदि जगत भवानी माँ अर्बुदा माँ ने याद किया और बोले अरे रसिए की अतिथि मारे रसिया वालम रे रसिए की अतिथि मारे रसिया वालम रे हे देवी देवता ने बटे तैयारियां हुई नजर रहे करे रसिया वालम भी अपने ब्यावरी तैयारियां के लिए हाथी घोड़ा मंगाया और बोले अरे लाया लाया अरे लाया लाया हाथी ने घोड़ा मरे रसिया वालम रे लाया हाथी ने घोड़ा मरे रसिया वालम रे अरे हाथी पर असवार हाथी पर असवार रसियो हो गया रे
बड़ी खुशी नो माहौल और बोले अरे रसियो आयो तोरण योरे रसियो आयो तोरण योरे कमारी कन्यारी सखिया बड़ा ही मंगला गीत गावे और चारों तरफ खुशियों का माहौल। हमारी कन्यारी सखिया ब्यावरा मंगला गीत गाती भी बोले अरे रीचा के तो तोरणी बोले अरे रीचा के तो तोरणी बोले अरे रीचा के तो तोरणी बोले कमारी कल्याणी सखिया और भी मंगला गीत गाती भी बोले कि तू तो आए रसियो आयो चौबरिया रे मां मर रसिया पाल मरे रे अरे हीरा ने पन्ना री चमरी मांग दी रे पिया को मारे हीरा ने पन्ना री चमरी मांग दी रे कमारी
अचानक, क्योंकि संत महात्मा कहे जो कुछ लिखा लीलाट पर मेट सके ना कोई, और कोटि यत्न करते फिर भी अनहोनी ना होए। एम फेरारो समय आयो और रसिया वाले मेरी जो होने वाली सासू थी, बाजा राजा ने बोली कि राजा वचन आप दिया, वचन मैं नहीं दिया। राजा बोले कई बात हो रानी साहब। रानी बोली कि राजा खेल भील ने वचन दिया है, लेकिन मैं मारी बेटी को ब्याह वेणा आदमी ने साथ में कभी भी सूरत बनी होड़ दूंगा। राजा बोले कि रानी मैं वचन दिया, मारे वचनों की लाज आपको लागनी पड़ला। रानी बोली नहीं कोई वचन नहीं, मैं वचन दिया, आप वचन दिया उन टाइम आप मैंने पूछ नहीं दिया, और आपने वचनों में मैं शामिल नहीं हूं। राजा बोले कि रानी मारे वचनों का सवाल है, मैंने वचन दिया हूं और मेरा वचन खाली नहीं जाना चाहिए, किन्हीं भी सूरत में कंवारी कन्या रो ब्याह तो मेरे साथ में करना ही पड़ेगा। परंतु रानी बोली राजा किन्हीं भी सूरत में हे मारी बेटी रो ब्याह कोई ऐसा गहरा आदमी मेरे साथ में नहीं है। अब अरे सासू करियो मन में विचार, मरल सिया बाल मने अरे किया रे घरो रे बाड़ा भार का मस्ते किया को मारे, किया रे घरो रे बाड़ा भार का रे भजिया को मारे। सूरत में नहीं होने दूला, खेस दान करता करता और अंत में वह जो सासू थी वह एक साइड में कोना में जाओ, मायावी शक्तियों कुकड़ा रो रूप धारण कर दी और अरे सासू धरियो कुकड़ा रो मरल सिया पालम रे, अरे सासू धरियो कुकड़ा रे मरल सिया पालम रे, अरे कुकड़ो बन ने कवेरा बोलिया रे जिया को माथे, कुकड़ो बन ने कवेरा बोलिया रे जिया को रस्से वाले बोले कुकड़ो बिना समय का कुकड़ो बोले, रस्से वाले मेरे मन में लगो कि कोई न कोई अनहोनी बात होगी है, और जितने रस्से वाले में पता लगो रस्से वाले बड़ा दुखी हुए और राजा ने कह राजा ठोके रस्से वाले, राजा ने जान बोले कि राजा आप फली राजा हो।
आप मारो छोटा हो। राजा रसिया बालक ने बोले कि रसिया मारी में कोई प्रकार की गलती नहीं है। रसिया वाले बोले कि राजा मने कोई बात रो लड़ा लड़ा नहीं, मने वचन आप दिया और मैं तो आपको पूछन वाला हूं। राजा रसिया वाले ने बोले कि मारी बात समझने की कोशिश कर, मारे में कोई हाथ नहीं है। और रसिया वाले इतनी बात सुने उनके रसिया वाले मां अर्बुदा मां आदर देवी ने याद करे मेरे हे मां थारे भक्त रे साथ में इतना बड़ा धोखा, थारे भक्त रे साथ में इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धनो, इतना बड़ा फले। अब इन बातों को बदलो आपने ले लो और उठे रस्य वाले अपने अपमान का बदलो किन प्रकार चुकावे बोले अरे रसिए धरियो मीने कीड़ा रे, रसिए धरियो मीने कीड़ा रे, मर रसिया मान मर रसिया अरे मिनकी बाने ने खुकड़न पाले सासु साथ से दियो कियो ते मने इन प्रकार मारी है तो बोले अरे दे दियो मति सासु जी सा मर रसिया बालन रे, दे दियो मति सासु जी सा मर रसिया बालन रे, अरे पत्थर दी मूरत थे तो पत्थर की मूरत थे तो देव जाए कटिया मामा गया, पत्थर की मूरत मर रसिया बाल रे, अरे बे गया मरीज है कई हाथ जाए
नो रूप लिया थी माने दर्शन देव जो संचिया हो सिंह पे असिवा राजस्थान की धरती पर देशनोक एक शक्तिपीठ है और माता जी मैं बतानी चाहूंगा सभी लोगों ने कि शक्ति कुछ शक्ति शक्तियां ऐडी हुई कि जो दिखे नहीं जो दुनिया में किन्हीं नहीं देखी उन शक्ति ने लेकिन उन शक्ति रो एहसास हुओ उन शक्ति रो आभास हुओ जिन प्रकार संचिया माता देखी नहीं अपन मूर्ति में देखो सिर्फ एक आवाज है परंतु कुछ शक्तियां ऐसी हुई जो लोगों के बीच में रही है जिन प्रकार करणी माता है तो वो लोगों के बीच में जीवन जियो और मारो स्वरूप तो सगलो ही एक जड़ो है आप कठी जाओ नाम रूप तो फर्क है तो एक बहुत प्रसिद्ध रचना मां करणी माता री प्रस्तुत कर रही हूं हो अरे थाने करू वो बारम बारी जगदम्बा मारी अर्जी सुनो
पुंगल पुंगल राय एक राजा हुआ शेखोजी राव शेखोजी भाटी। माता जी किन प्रकार आशीर्वाद मिलियो? हाँ बिल्कुल ए अपना खड़ा हो जाओ चिंते मृदमा वाला उनका मन पतो इन बात का। तो शेखोजी माता जी रा परम भक्त हुआ परंतु उनसे पूर्व माता जी ने नहीं मानता। माता जी ने विरोध कियो कोई शक्ति नहीं करनी। मुल्तान भी फौजा सो युद्ध हुआ तो मुल्तान भी फौजा राव शेखोजी भाटी ने कैद कर और काल कोठरी में बंद कर दिया। अठी ने राव शेखोजी की बेटी नो ब्याह तोड़ कैद खाना में माता जी ने याद किया। बोले हे माँ मैं आपने जान नहीं सक्यो मैं आपने पहचान नहीं सक्यो और आपने भगत की रक्षा कर जाओ। शेखो जी मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्या शेखो जी मुल्तान कैद में घर बाई रो ब्या जगत जननी मां भवानी चीन रो रूप धारण कियो सवली बाण शेखो जी ने अपने पंजों में सू उठा और आकाश मार्ग द्वारा अरे बन कर सवली पकड़ पंजा में बन कर सवली पकड़ पंजा में वो फेरा सू फेरा रे पहुंचाई जगदम्बा भारी जी सुनो खाने निभनी खाने निभनी करूँ परम बारी भवानी मारी 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 जी सुनो गंगा सिंह ने रही मदद में अंग्रेजों की बार गंगा सिंह ने रही रे मदद में अंग्रेजों की बार हमारी अंग्रेजों की बार अरे अंग्रेजों ने कुबद कमाई वो सू तोड़ा सिंह ने जगाई जगदम्बा भारी अरे जी सुनो अंग्रेजों ने कुबद कमाई वो सू तोड़ा सिंह ने जगाई हवानी मारी अरे जी सुनो खाने निभनी करो गांव सुराणो जात ब्राह्मण सिंह गरज कर आयो धरण पर हाथ नहीं तलवार सिंह गरज कर आयो भूमि पर हाथ नहीं तलवार हमारे हाथ नहीं तलवार मेरी भाई जगदम्बा थारी बा
जाने दियो रे भगाई जगदम्बा मारी अज जी सुनो ए थाने विनती करो पार में बारी जगदम्बा मारी वो अज जी सुनो सुरानो जात भी राम तलु राम जसगा गाव सुरानो जात भी राम तलु राम जसगा एक ट्रेन ऑपरेटर ने विनती करूं मैं सामने जो माता जी गुम्बद है उन गुम्बद ऊपर ले जाओ गुम्बद रे गुम्बद रो जो एक मन ये लग रही है कि साक्षात माता जी उन गुम्बद रे ऊपर बैठ और भक्तों ने निहार रहे क्या बात है एक पूरो एक सीन खींचने रो प्रयास करें गुम्बद सो गाँव सुराणो जात भी राम ने तलु राम जसगा अरे करणी जी थी अभी चली रही जो करणी जी हो हो नोकिदे भाई अरे जी सुनो थाने विनती करूं वो बार में पारी जगदम्बा मारी अरे जी सुनो जगदम्बा मारी वो जी सुनो साचल मारी अरे जी सुनो ए सचिया मारी अज जी सुनो सचिया मारी अज जी सुनो